बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो प्रोग्राम मुल्तान रंग दे नाल तुहाडा मेज़बान आमिर शहज़ाद तुहाडी खिदमत विच हाजिर ते अपने तमाम देखण वाले को सलाम पेश करन दे ते मेरे इकट्ठे हैं हिना मुख्तार। सोना सही इस सारी मिट्टी साडा वसेब साडे खेत साडे खलियान इतने जरखेज हैं कि इन्होंने ई वसेब ने खूबसूरत तहरीर करन वाले लोगों को पैदा किए, ही वसेब ने सोहनिया आवाज़ों को पैदा किए, ही वसेब ने साडे लिखारियों को पैदा किए और सारे फनकारा को पैदा किए। इन वसेब जड़ा जड़ा फनकार कोई लिखारी है, कोई हुनरमंद है, कोई क्राफ्ट के नाल जुड़े हुए शख्स है, उनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत नाल नवाजिया और ना सिर्फ वसेब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी उन्होंने हुनर को मनिया गया। उनकी वजह है ये मिट्टी बड़ी सरखेज है, सारा कल्चर बड़ा रिच है, सारा कल्चर बड़ा वसी है और सारे हुनरमंदा के अंदरों साकू सारा कल्चर सारी तहजीब और सारा तमतुन नज़र आते। जी जी आमिर साहब बहुत सोहनी गल की ने कि साड़ी मिट्टी इतनी जरखेज है कि इन्होंने नामवर शख्सियात पैदा किए हैं, खिलाड़ियों को, फनकारों को, गुलकारों को। सारे अज के प्रोग्राम मुल्तान रंग भी जो साडे मेहमान हैं अपने अपने शोबे के नामवर शख्सियात हैं। बेशक इन कोई शख्स नहीं ऐसिया नामवर शख्सियात जैसे सामने गिन किया तारफ करवे सो तुसे बड़ा मजा गिन सारे इकट्ठे बैठे। सब तो पहले मसरूर हसनैन सिद्दीकी। मसरूर हसनैन सिद्दीकी की खूबी यह है सुना सही कि इन्होंने एक सफ़रनामा लिखे, सफ़रनामा बड़ी दुनिया ने लिखे, बहु लोगों ने लिखे, गाल मुहाड़े नाल करे सूँ, मगर इन्होंने जो सफ़रनामा लिखे उन्हें ना है ज़ाहिर हरम यानी मुकद्दस सरजमीन का सफ़र। हाँ और उन्होंने कट्ठे बैठे माशाल्लाह तानिया आप जी साहिबा माशाल्लाह ये शायरा भी हैं ते नाल ही नात ख्वां भी हैं, सोहनी आवाज़ के नाल नाल कलम के उत्ते भी पूरा कमांड अल्लाह पाक ने बख्शे माशाल्लाह। वाह अच्छा मेरे इलम च यह भी है कि तानिया आप दी इन नाल नाल माशाल्लाह इवेंट ऑर्गेनाइज भी करें देन और समाजी वर्कर भी हैं माशाल्लाह। और साढ़े इना दे नाल जड़े अजीम फनकार बैठे वह हैं इजाज राही। इजाज राही साढ़े वसेब का माण और साढ़े वसेब की खूबसूरत आवाज़ और इन्हों की आवाज़ के जो दर्द है जो सोज है और मुशाबियत जिन्हें नाल है वो भी सारे मुहांदरे मेहमान सारे वसेब की बड़ी तवाना आवाज़ गाल जी उमें भी जितना वसेब की गाल थी वे सराइकी की गाल थी वे तो फोक म्यूजिक की गाल ना थी वे थी सकते थी नहीं सकता। सो आज के सारे मेहमान मसरूर हसनैन सिद्दीकी तानिया आप दी और इजाज रही इकट्ठे गाल मुहाड़ का आगाज करें दे पीटी भी मुल्तान सेंटर तक खुश आमदीद खुश आमदीद मसरूर हसनैन सिद्दीकी तो गाल शुरू करें दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर शाह सिद्दीकी तुहाडा मुल्तान पीटी वी दा और मैं नाचीज को अज तुसा इत्थां दावत दित्ती है। मैं एक किताब लिखी ज़ाहिर हरम दे टाइटल नाल सफ़रनामा है मेरा हज दा और 2006 मैं हज किया अपनी वालदा साहिबा दे नाल ते उत्थां जड़े भी हालात वाकयात पेश आए मैं उसको कलमबंद किए और तमाम अपने दोस्तों वास्ते नाजरीन वास्ते लिखारियों वास्ते पढ़न वालों वास्ते ऐसी किताब है कि जिन्हें हज करना होवे वो वने और ये किताब को पढ़ गिनचे तो उनके वास्ते बहुत सारी आसानियां पैदा थी वैसे। यानी तोरा मतलब ये है कि एक किताब जिथे सफरनामा है उत्ता एक पूरे का पूरा इन दे अंदर इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन मौजूद जी बिल्कुल इंफॉर्मेशन है ते नाल ही शख्स वेंदे उम्र ते वने नाल ही जितने मसाइल आने उना को दरपेश हां जी मेरे मुशाहदात हैं तजुर्बात हैं और ऐसे एक दो वाकयात हैं मौजजात भी हैं मौजजात वो मैं तो इंशाल्लाह। वैसे भाई दी वे मसरूर साहब ताको ख्याल की में आया कि सफरनामा मैं लिखा आज तो हूँ हजारा लखा लोग वेंदे जी बिल्कुल आमिर शाह सिद्दीकी असल ना मैं छठी क्लास है छम ते मैं मुल्तान दे एक लोकल अखबार है नवाए मुल्तान उन्दे बच्चों का सफ़ा आंदा ही उन्दे मैं छोटे छोटे लिखदा हम वाकयात या नज़मा या कहानी छोटी जाई मैं 15-20 लाइन दी बस उतों शौक पैदा थे आहिस्ता आहिस्ता चलदा चलदा जड़े वेले मैं कॉलेज गयम यूनिवर्सिटी गयम वल उस स्टूडेंट लाइफ विच स्टूडेंट पेज या वल सफरनामे आ गए या उन्दे सारा वन डे ट्रिप होंदा कॉलेज तरफों या यूनिवर्सिटी की तरफों वो मैं उन्हें बकायदा लिखदा बच्चों की दुनिया इमरोज़ आफ्ताब अखबार बच्चों का सफ़ा बे नवाए मुल्तान नवाए वक्त सारे अखबार तकरीबन ते बड़ी मेरी ख्वाहिश आई कि मैं कहीं सफ़र कर सा ना बहर दा ते मैं एक सफरनामा जरूर जड़ी है बच्चों के अदब तो थी तो बच्चों का हाँ जी आप ही बाल अनाथ नहीं बैठे मैं छठी क्लास छठी क्लास जब मैं मोले में लिखदा और दूजी गल है तमाम दोस्तों की इंफॉर्मेशन वास्ते भी कि
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਥਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਛੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਮਿਰ ਸਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਾ ਦੂਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਨਾ ਚਾਹਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ ਏਜ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਛੇ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤਹਿਰੀਰ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤਹਿਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵੇਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਹੁਣ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਹਿਰੀਰ ਜ਼ਬਤ ਤਹਿਰੀਰ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਉਨਵਾਨ ਦੇਵਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਤਾ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਰਮ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਵਰ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਰਾ ਬੁੱਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਬਣ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਚੱਲਾਂ ਮਸਰੂਰ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਇਲਮੇ 'ਚ ਆਈ ਮੈਂ ਆਦਤ ਬੈਠਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਥੀ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਕੋ ਮੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹੀਂ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਕਲਮ ਕਰਤਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਨੀਆ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤਾਨੀਆ ਆਪਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਥ ਖਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਯਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਾਥ ਖਾਂ ਥੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਸੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਾਦ ਜਾਤੀ ਥੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਉਨਸੇ ਪੜ੍ਹਤੀ ਥੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਥੀ ਨਾਥ ਗੋ ਸ਼ਾਇਰਾ ਥੀ ਔਰ ਨਾਥ ਖਾਂ ਵੀ ਥੀ ਤੋ ਇਹ ਵਸਫ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਥ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਥ ਪੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਖੁਦ ਗਾਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਅਭੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੰਜ਼ਰੇਆਮ ਪੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੇਂ ਈਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੀਆ ਗਾਗਿਲ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਜਾਜ਼ ਰਹੀ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਸੋ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਛਾ ਵਾ ਵਾ ਸਰਾਇਕੀ ਲਾਉ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੋ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਕਲਚਰ ਮੈਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗੀ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਤੌਰੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤੌਰੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਅੱਛਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਸੱਵਫ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਇਲਮੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਦੀਬ ਬੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਦਰ ਮੁਲਤਾਨ ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਆਂਦੇ ਅਗਰ ਬਹਿਰੂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੋਤਾ ਵਾ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਬ ਵੀ ਰੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਛਾ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ ਇਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਾਕੂ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਰ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਇਸਤਾ ਪਾਵਨੇ ਕੇ ਮਲਕ ਸਜਦਾ ਮਿਕੁਨਤ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਮਾ ਬੌਲਾ ਬਰਾਬਰ ਜੰਨਤ ਅਸਤ ਆਇਸਤਾ ਪਾਵਨੇ ਕੇ ਮਲਕ ਸਜਦਾ ਮਿਕੁਨਤ ਕਿ ਇਥਾਂ ਮਲਕਾ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸਾਂ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਥੀ ਕਿ ਹਮਦੁਨਾਤ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੁਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ
सुर मेरी दादी मोहतरमा की भी बहुत अच्छी आवाज थी। अच्छा, अच्छा, और वह सोजो सलाम मर्सिया मैंने उनसे सीखा। उस्ताद आ सकते हैं उनको? जी बिल्कुल, मेरे पहले उस्ताद बकायदा भी उस्ताद रखे हूं तो बात या? अभी मैंने 2 महीने पहले एक उस्ताद हमदोनाद की, मेरा कोई सिर्फ वालदा के उस्ताद रखे। जी जी मौसीकी का ओवल वारी ऐसी डेले लड़ाई से बनती है वैसे एक गाल वाल कर। नहीं नहीं, मैं अपनी वालदा से सीखा, अपनी वालदा से और दादी से सो सलाम मर्सिया। जी माशाल्लाह, यानी तो फैमिली इंस्पिरेशन हासिल है। बिल्कुल फैमिली और उनकी बुनियाद पे। मसरूर हुसैन, तुसा जेडी ले किताब दे बारे सोचया तारे भी मतलब चलो मेरा ता मैं ता काम चलो करीब इंस्पिरेशन घर च को भी मौजूद है किताब दे नाल जुड़े आए शख्स या नहीं? बस मेरे ख्याल है तुसा ही आवे बे ते कोई ना है। लेकिन आप ही आप थे। हां लेकिन ए है के साडे घर मेरे वाले साहब भी 15 साल उन्होंने टीचिंग की थी ते उन्हें ते बहु मुल्तान च मिले उन्हें जिक्र कीते वे अनवर जमाल साहब नामी ग्रामी शागिर्द अनवर जमाल साहब परबला दिन जो मैं तेरे वाले साहब दा नाम चाके उना अनवर जमाल साहब दा नाम मेरे वाले साहब शागिर्द हुसैन सर साहब दा भी हुसैन सर साहब मरहूम और प्रोफेसर हमीद रा सिद्दीकी साहब वाले सिलसिला आ गया ना सर सिलसिला चलता रह गया सिलसिला आ गया ना मतलब लेकिन ए जड़ी किताब है ना ए मैं हज कीता 2006 च 2006 तो घन के 2020 च वे तक 14 साल दा सफर है मेरी 14 साल दा शौहरी सफर है फिक्री सफर है और जड़ा सफर तुसा 2006 च कीता वो तो जाहिर महीने सवा दा होसी। हां वो तो यकीनन 40 दिन दा होंदे लेकिन मैं मेरे को पॉइंट आन हिंट्स आन मैं कि इंशाल्लाह मैं सफरनामा ये सतो ना सवाल दे विच कुरीत सुता को होले होले जरूर जरूर हुन असे चलदे पे हां अपने इजाज राय साहब सारे सारे वसेब दे सारे सारे सूबे दे सारे मुल्क दे और मैं तक से पूरी दुनिया दे अजीम फनकार फोक सिंगर जनाब इजाज रही साहब। जी जी इजाज साहब बड़े खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारे भी मैं को खास कर मैं पीटीवी का शुक्रिया अदा कर बिस्मिल्लाह ए दसो ताको खुशी थी नहीं पई आज दे प्रोग्राम में। जी जी गाय बगाय साको मौका दे दे रंदन पीटी ना तो मैं को दसो ना मेरे सवाल ताको खुशी थी नहीं पई। यकीन करो बतौर इथा एंकर दे अतोला गाल मोहड़ करके असा दुहान जने को डाडी खुशी हो खुशी थी बड़ी मोहब्बत और देखण वाले को इतनी खुशी थी पियो बिल्कुल। जी जी बिल्कुल देखण वाले सारे ज्यादातर सरेकी क्योंकि सारे सरेकी जी जी असा अपने सरेकी तो लोगों की गाल ते देखण वाले जहर साकू सारी सरेकी सारी खिते दे लोग साकू ज्यादा पसंद करे ने मैं भी पसंद करे बहुत करे ने पूरी दुनिया दे मैं खुद तोरे गीत माशाल्लाह बहुत जाते सुनया शहर तो बहर बहर मुल्क भी बल्कि मैं जितना बहर काम किते मैं तुरे गीत खुद डिस्प्ले भी किते बहुत ज्यादा प्ले भी किते तुरे मेरे को तो बड़ी इन गाल की खुशी है कि लोग बड़ी मोहब्बत नाल तो तकाजा करके जी, 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 और जड़ी तुरी एक अदा है कहीं भी महफिल लाइव प्रोग्राम बांधन पहले एक खूबसूरत जहा शेर पढ़सन उनके बाद महफिल का रंग जमे सन वल गीत और मतलब जो भी इन्होंने गजल पेश करनी उसी। जी जी बस आज असा तोरे को क्या सुन देते हैं? बस असा कदा सिज दी सखावत तू इनकार कीता है। वाह 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 असा कदा सिज दी सखावत तू इनकार कीता है उभरद तांग घिन आंद है जो लांद है तांग घिन वे। अरे वाह 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 उभरद है जो तांग घिन आंद है जो लांद है ता तांग घिन वे। क्या बात है भला उभरद भला भाई तांग हां लेकिन सर बल दोबारा थी दी और मायूस नहीं थी होना चाहिए हर रात तो बाद कोई मायूस ऐसा खुशगुमान है अल्हम्दुलिल्लाह हर रात तो बाद एक सहारा आंदी है सवेर आंदी है और उन सवेर दी इंतजार करनी शर्त है कि शब फिराक ना होवे। हां जी उनकी सहर बड़ी फिराक की सहर नहीं होती बाकी सहरा सारी है बड़ी दाद ना की सहर नहीं होती। तो क्या सुन रहे प्यारे साहब? बस ये खूबसूरत में गीत तो माशाल्लाह जब किस्मत शाह हरे तू चौ गरीब लोग दुआ करे
वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह बहुत अच्छे बड़ा खूबसूरत गीत है। बस मुहब्बत दे विच इतनी जुनून दे विच ये गाया गया है कि अपना होश ही नहीं रहा। क्या बात है। हुसन दे शाहो खरेत लूचा गरीब लोग हैं दुआ करे सो जड़ी अंदाज अपनाए वे ना। हाँ, क्या हाँ, बात नजोर सादा असल दा बेवस ही से ना सा नजोर सादा न कर्ज लाने बोले सो खाली तक क्या क्या बात है। हुसन दे शाहो खरेत लूचा गरीब लोग हैं दुआ करे। ये जुनून ये रغبत ये रुझान ये चीजा मिलके एक खूबसूरती पैदा करे ना। आदन ना के वक्त कितना ही अगो क्यों ना चला वने नौजवान नस्ल कितने ही मॉडर्न क्यों ना थी वने लेकिन सकाफत ते विरसे को जी पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर ने थामो आए मजबूती ना सारे वसेब दे इता जे मेहमान है नादी मौजूदगी गाल दा बुलेंदा सबूत है। बेशक बिल्कुल इंदे कोई शक नहीं और असा वाला दे पे हैं मसरूर हुसैन सिद्दीकी वाले पासे 2006 चुसा हज किता किताब तोरी शायद थी 2020 जल्दी क्या मतलब एडी उजलत केडी शादी असल च जाहिर है गमे रोजगार और फैमिली दे मतलब मसले 2000 गमे रोजगार मुक गया 2020 दे नहीं कितना मुक गया असल च 2020 आ गई कोरोना सारे दोस्त हैं गोया बाहर का मौका मिल गया था फरागत आई। हां जी फरागत आई प्रोफेसर कैसर हाशमी साहब वो भी मेरे वाले साहब दे शागिर्दी हैं उन्होंने को मैं दस आई कि मैं एक किताब लिखना चाहना मैं कुछ सफ़े लिख रखे लेकिन कंप्लीट को नहीं किते। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया उन्हें कहा भाई आजकल क्या कर रहे हो तो मैंने कहा मैं प्रोफेसर साहब फारिग बिल्कुल घर बैठे हैं सारे नहीं दफ्तर ही कोई नहीं मिलते आजकल तो उन्होंने मेरे को आख्या कि हूँ मौका है हूँ मौका है एक लिखण का अगर लिख सकते हो तो हूँ लिख सो वाले मौका हाथ नहीं आना जल्दी मैं पिछू मुड़ के इठा 14 साल थी गया नहीं मौका मिला नहीं मौका मिला बल करण मिल सी तो उन्होंने ये गाल मेरे जहन च आई तो मैं उ वाले सवेरे रोज़ नमाज पढ़ के बावा तो उ वाले मेरे को टाइम मिल वा आई कि जो वे मैं सिर चेंदा मेरे को पता लगता है कि मैं 15-20 सफ़े लिख गया। अच्छा यानी डेली तो सब 15-20 सफ़े मैं अपना मामूल बना के दा एक काम मैं हूँ इवें करने सुबह नमाज तो बाद शुरू करने काम को और अलहमदुल्ला कंप्लीट ठीक गया काम तो उ तो बाद मैं वल मशवरा किया अपने दोस्तों नाल यो कि मैं कंपाइल करूँ कि मैं इन किताबी शक्ल कि मैं तुहारे नाल ही किया शाकिर हुसैन शाकिर वही मेरे दोस्त हैं उन्होंने को भी मैं आख्या तो वो सारा दी मशवरा कि ठीक है एक दे वल मैं चला गया हूँ इन कंपोजिंग वास्ते उतना मेरे को लगे कि मैं काफ़ी टाइम देना पोसे वो खैर दिता एक शौक आई जज्बा आई तो किताब मेरी शायद थी गई किताब मेरी आ गई। अच्छा एक नसर लिखण तो बाद वैसे तो शायरी दी होंदी है तानिया बैठन अपना यानी उनकी दुरुस्तगी और इस्लाह वगैरह कोई नसर भी तो सच्चा है कि मैं कहीं कोई मसवदा लिखा जी बिल्कुल वो अच्छा। प्रोफेसर अनवर जमाल साहब को दिता मैं आपका मसवदा मैं कह सारी मुस्तनद लोगों को तो आपको इख्तियार है एक घटा ही सकते हो एक वधा ही सकते हो। अच्छा वैसे एक लतीफे की गाल है और एक लतीफे तक सुनाए आप बड़े तना गिनाए एक साहब ने नवा नवा शायरी करनी शुरू की राई साहब उन्हें अपनी किताब लिखी तो उन्हें एक मान्यता ने शायर को भेज दी बिला सोचे समझे इन इसलाह करके भेजो चांदनिया के बाद किताब वापस आई और वो किताब खोले बिना उन्हें समझा इसलाह थी कि आ गई उसी मसवदा खोलिया ना उन्हें फोन च किया उन्हें कहा हजूर मैं मसवदा भेजे आई अलहमदुल्ला वापस आ गए तो इन क्या लिखे वे उन्हें आख्या भी गाल ये इन बहुत सारे उजलत हैं तेरिया मैं तेको फटाफट वापस भेज दिते वो आखे मैं आप घिन के आवे आखे तू बल शायद वापस ना वैसे क्योंकि इतना काम किया होया मैं तेको मैं वापस करना वे डेसा ही कह लूँ मतलब इसलाह भी बड़ी जरूरी है क्योंकि तामीर जड़ी है वो इसलाह दे नाल हमेशा चलती इसलाह सारी जिंदगी थी क्योंकि तानियाब दी तशरीफ रखे ने तानियाब दी शायरा भी हैं इना दी यादाश्त में कोई शेर याद आना बाबा सुभान अल्लाह सदा मजाक दी गाल के ते में कोई सीरियस शेर याद आ गए आदन यादे माजी अजाब है या रब यादे माजी अजाब है या रब तो छीन ले मुझसे हाफजा मेरा वाह वाह लेकिन अल्लाह को मुखातिब ना लेकिन ए गाल इथा थिनी पे कि तुसा इतना सोना सफर अपना कैद किते किताब दी सूरत च के ए यादाश्त वाके जीवे तुसा इकट्ठी कीती वे बड़ी गाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं को चीज से बड़ा फखर है मेरी पहली किताब है और जाहिर है हरम दे टाइटल नाल है और जड़े वेले किताब आई है ना प्रिंट थी के तो उमले मैं पहली किताब दी अपनी वालदा साहिबा को इंतसाब मैं दिते अपने वालद साहब मरहूम के नाम तो अपनी वालदा उमले हयातन अपनी शरीके हयात और मेरा बेटा इरतजा मेहदी
और बेटी मेरी शहीरा मेहदी। अच्छा किताब आ गई मेरे को, मैं अपनी वालदा साहब को पहली किताब अपनी मन के पहली किताब उन्होंने पेश की थी। वो किताब कुड़े थे ते मैं कुड़े थे तू लिखी है मैं कि जी अम्मी जान तुसा एक पढ़सो तो वालदा को मजा से। इतना एक सवाल है कि जेरे तुसा सवेर फजर बांधे हवे तो उन दौरान कहीं ने सवाल ना किया कि क्या लिख दे बैठे हुए क्या कम करें दे बैठे हुए। अच्छा वो मैं कल्ला मेरा कमरा है तो मैं कल्ला बस। अच्छा आ, और वैसे मेरे फैमिली को पता आई कि मैं ये काम शुरू कर चुका हूं। देख पर्दा शुरू किया है मैं को कोई डिस्टर्ब ना करंदा है। माशाल्लाह ये चंगी गाल है। तो मैं अम्मी जान को आके मैं कि किताब पढ़ के तो मैं को दसाए उन आगे ठीक है मैं पढ़सा तो को दसेसा। मैं उन्होंने को एक सवाल किया मैं कि दसाओ असा हज किया 2006 आदन किया मैं कोई याददाश्त भी है आदन नहीं सब कुछ भूल गई। मैं कह चाहे पढ़ो इंदे परसो सारा याद आ रहे थी। उन्होंने किताब पढ़ी और डेली मैं को आध्यान मैं हूं 15 सफे पढ़े आज 20 पढ़े आज इतने पढ़े उन्हों का सफर भी सारा एक ताला सारा की गया रिकॉल हो गया इवें जिवें सामने होवे है। और एक दिन मैं को स्पेशल मैं घर आया तो मैं को आवाज देती ने मैं को मिल के वैसे तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है। अच्छा तो मैं कह मैं आना पतवारे को ही आना पाया मैं उन्होंने को गया उन्होंने मेरे को गले लाए मेरे को प्यार किए ने मैं को आदन इतना अच्छा तू लिखे मैं को सब कुछ याद आके जड़ा मैं 14 साल भूल गई भूल गया बहुत अच्छे। और ये उन्होंने जी वर्डिंग आई और उन्होंने जी फीलिंग्स आई अज तक मैं जल्द गाल करना मैं को मोले याद आवे बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े थी वेंदन मैं को उन्होंने वो टच करना उन्होंने गले लावना वो बिल्कुल मैं को याद आवे बेशक मामा ठंडिया छावाई दे तक कोई शक नहीं। हुण साडे नाल तानी आप दी बैठन आप भी वालदा कोलो तक मुतासिर थी के बल्कि हुण आदी तरबियत दे नाल तुसा ए अपने नात और हमद भी आखना बिल्कुल मनकबत भी पढ़दे हो तुसा मनकबत भी हुना कोलो सिखी सुफियाना कलाम और यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में बेस्ट नात खां बेस्ट कलाम इकबाल पढ़ने वाली कलाम इकबाल बहुत पढ़ती थी वाह वाह। राय साहब तो अदेल में छे कि तानी आप दी एक खुश गला भी रखे अंदर खुश कलू भी मेरे इन हुन मैं पता लगे इन्होंने मतलब से खूबसूरत गला है और उंदा मैं हुन तोरे को इजहार पे करवेंदा। अच्छा वाह वाह। तो मेरे को ये लगदे कि जे गुलकार होसे ना जे ए जमान रो रोंदे भी बड़े सुर नाल होसे। अच्छा बड़ी अच्छी गल है बड़ी अच्छी गल की ने मैं राय साहब तोरे खास तौर पे तोरे में जवाब दे देना मैं ही थोड़ी मौसीकी सीखी जी जी उस्ताद खादिम हुसैन जी जी माशाल्लाह बड़ा बड़ा वड्डा नाम है यहां पे टाइम दा उना दे बाल निके निके रोंदे हैं जी जी वो भज के हारमोनियम उना दे इकट्ठे रख बांधे हैं। मैं उस्ताद जी क्या पे करें दो आके सुर चेक पे करें बाल छोटा है चार पाई पूरे जी जी ते सुर चेक करें ना केड़े सुर पे रोंदे ते उना दा रोवण संगीत लगदा उसी मामा को इतने सुर नाल रोने ते असताने को कुछ जो थी ना वो बिलग्राम एक था कस्बा वहाँ से ताल्लुक रखती थी बिलग्राम ही लिखती हूँ वहाँ से बड़े जय्यद और उल्मा पैदा हुए हैं लेकिन वहाँ से तानसेन भी पैदा हुआ है। वाह वाह वाह। तो कहते थे वहाँ पर सुनते बताती थी अम्मी हमारी के वहाँ पर एक तारीख ये थी कि तानसेन जो था जिस कुएं से उसने पानी पिया था लोग वहाँ से पानी पीने आते थे तो जाहिर है वो फिर मुंतकिल होता गया। और मुझे बहुत शौक था लेकिन मुझे गाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि सैयद फैमिली से बिलोंग करती थी नात की इजाज़त थी और मुझे गज़ल की इजाज़त थी कलाम इकबाल की इजाज़त थी। मैं मुख्तलिफ रेडियो पे भी मैंने बहुत छोटी उम्र में रेडियो पे मैंने कलाम इकबाल यूनिवर्सिटी मैगजीन्स में जाती थी नात पढ़ी और कलाम इकबाल पढ़ती थी और गज़ल बहुत गज़ल का मुझे जी है। जी जी वो मैं अपनी क्या सुने सुने वास्ते पहले मैं अपनी नात के दो शेर सुना देती हूँ उसके बाद फिर मैं क्योंकि नहीं तो सही करो ना तो सर हूँ फिलहाल सको नात देख शेर सुनाओ। हाँ जी असर वाल जड़े सेकंड राउंड के तौर पर वाल फौरी तौर पर वाल गज़ल की अच्छी गाना नाद देख पहले नाद अपनी नाद करें। अर्ज़ तैबा में बुला लीजिए सरकार मुझे अब्दुल्लाह करा दीजिए दीदार मुझे। माशाल्लाह। दिल ये कहता है कि रोजे पे पढ़ूं मैं नाते। दिल ये कहता है कि रोजे पे पढ़ूं मैं नाते। काश मिल जाए ये मौका
ये मौका सरे दरबार मुझे और नात खानी में कटी है ये मेरी उम्र अजीज नात गोई भी सिखा दीजिए सरकार आवाज भी अच्छी अंदाज भी अच्छा क्या बात तो कलाम भी अच्छा क्या बात सब तो वादे के अल्फाज आपने क्या बात अल्फाज आपने आवाज आपनी अल्फाज आपने अकीदा है ना कंपोजिशन भी अपनी वाह वाह सुभान अल्लाह चार चांद चारों चीजें ये तो चार चांद सही बैठे चार चांद रहने वाला भलता बस ये अल्लाह की अता है वो बहुत मेहरबान है बेशक खुदा दा सलायता दा तो कोई मुकाबला कह नहीं यानी चार चिराग बल बनन तो बल पंजवा बालन आंदे क्या बात ये तसव्वुफ दा एक रंग है भी एक पहलू है सुभान अल्लाह मसरूर हुसैन तुसा को भी कोई शौक शायरी दा गायकी दा बिल्कुल शायरी दा शौक भी है फनून लतीफा पेंटिंग दा शौक भी है कई जमाने तो को भी याद होसी असर हल के पेंटिंग करन दिया से वालो शौक यूं थई ओ वाटर कलर दे नाल छोड़ दिता हां सरावे तो सडा सा नहीं करे क्योंकि मेरे वाटर ज्यादा पै वेंदा मेरे नाना मियां खलीफा नजीर हुसैन सदीकी मरहूम ओ शायर अहले बैतन माशाल्लाह और उन तो बाद शायद सारे घर इन मजालिस दा सिलसिला ਔਰ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਹੀ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਾਂ 1983 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਆਖੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਲ ਤਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਵਰ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਘਬਰਾਂ ਨਾਮ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਡਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਤਸੀਹ ਕਰਕੇ ਵਲਦੀ ਬਾਈ ਡਾਕ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿਖਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਮਿਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੋ ਮੈਂ ਕੋ ਤਸੀਹ ਕਰਕੇ ਬਿਜ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਮੁਝਸੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਜਰੀਦਾ ਆਈ ਅਮਰਸਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੋਸਨ ਰੋਡ ਕਾਲਜ ਆਈ 85 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇ ਵਾਹ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਏਦਾਰ ਰਹੇ ਵਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯੂੰ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਨਫ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਵਾ ਆਜ਼ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇੰਤਖਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਤੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਾਇਰੋ ਮੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵਲ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨਾ 1979 ਚ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਮਾਹੌਲ ਚੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਲ ਇੱਕ ਉਮਲੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋ ਸੀ ਲੜਕਪਨ ਇੰਤਹਾਈ ਲੜਕਪਨ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਸ ਪੇ ਚਲੇ ਬੱਸ ਔਰ ਟਰੱਕ ਉਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸੜਕ ਲੇਕਿਨ ਜੋੜ ਤੋ ਦਿਆ ਆਪਨੇ ਉਸਕੋ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਜੋੜ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜ਼ਾਨਤਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਔਰ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਹ ਨਹੀਂ ਉਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸੜਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਯਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤਾਨੀ ਆਪਦੀ ਜੈਸੇ ਸਾਹਿਬੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਾਤੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਡਾਡੀ ਵੀ ਕਲਾਮ ਆਦੇ ਹਨ ਨਾਨੀ ਕਲਾਮ ਆਦੇ ਹਨ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਆਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਇਸਮ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾ ਪਰ ਅਸਮਾ ਵਾਰਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਐਮਐਸਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਕਰਾਚੀ ਮੈਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਲੇਕਿਨ ਲਤੀਫ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਾਚੀ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅਬ ਨਈ ਨਸਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ
अच्छा आगे भी बात चल पड़ी, चल पड़ी, हम बहुत खुश हैं उससे। क्या बात है, विरासत बढ़ती वेंदी है ना। वाह, उसका नाम बता दें सबको। उमर आब्दी। हाँ जी, और वो क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं, कनाडा में होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यंग टैलेंट है ना। जी, यंग टैलेंट है, शायरी करता है वो भी। उन्होंने हर लफ्ज आखिर कनाडा तो नहीं लिखे होंगे, हर मिसाल नहीं, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। क्योंकि उसने ये मिसाल दी थी कि अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला इंग्लैंड से, लेकिन वो वापस अपने वतन में आके रहे। वो भी यही कहता है, मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा। ये जज्बा, पढ़ने के लिए गया है वापस आएगा। अच्छा, तानिया तौरुल कलाम सुनो थोड़ा सा, थोड़ा अपना तैतुल लफ्ज। हाँ बिल्कुल, सुनाती हूँ आपको। उनसे जब दिल की बात होती है, उनसे जब दिल की बात होती है, वज़्द में मेरी ज़ात होती है। वज़्द में मेरी ज़ात होती है, और उनसे मिलना तो मौजज़ा होगा। उनसे मिलना तो मौजज़ा होगा, उनसे ख्वाबों में बात होती है। वाह 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 वाह, उनसे ख्वाबों में बात होती है, और ऐसा नशा है उनकी चाहत में, ऐसा नशा है उनकी चाहत में, ऐसा नशा है उनकी चाहत में, देखने से ही मात होती है। वाह, जी। और एक और गज़ल के दो शार। नींद से बोझल आंखें मेरी, इन आंखों में तू ही तू। नींद से बोझल आंखें मेरी, इन आंखों में तू ही तू। सारे ख्वाब सुहाने मेरे, सब ख्वाबों में तू ही तू। और दिल के अंदर झांक के देखा, दिल के अंदर झांक के देखा, सब कोनों में तू ही तू। और सूरज चांद सितारे देखे, सूरज चांद सितारे देखे, चारों कोनों में ही तू ही तू। सूरज चांद सितारे देखे, सब जलवों में तू ही तू। सूरज चांद सितारे देखे, सब जलवों में तू ही तू। नींद से बोझल आंखें मेरी, इन आंखों में तू ही तू। सुभान अल्लाह, यानी ये माशाल्लाह तुम्हारी शायरी है, मतलब शायरी है। और तुसा ज्यादा मतलब अपने नात वाले पासे रुझान है शायरी, या ये जड़ी लबो रुखसार की शायरी ज्यादा वो करे? नहीं, सिर्फ लबो रुखसार की शायरी नहीं है, मैंने अपने मुल्क के लिए भी लिखा है, अपने कायद के लिए लिखा है, मैंने स्पेशल पर्सन्स के लिए लिखा है, मैंने मजदूरों के लिए लिखा है, और मैंने हर जो उस चीज़ को, जो शायर बड़ा सेंसिटिव होता है, और वो दूसरों के हुस्न से भी मुतासिर होता है, और दर्द से मुतासिर होता है, दर्द से भी होता है, और फितरत से भी मुतासिर होता है, और अपनी ज़िंदगी के जो गम होते हैं ना, वो शायरी में निकाल देता है। क्या बात, जैसे मैं ये कहती हूँ कि वो छोड़ गया है तो मुलाकात ना होगी, वो छोड़ गया है तो मुलाकात ना होगी, अब उससे मोहब्बत की कोई बात नहीं, गुस्सा देखेंगे ना, सोचेंगे ना, चाहेंगे कभी अब, हाँ। अब उसके लिए आंख से बरसात ना होगी। क्या शायरा नाल कोई ना होवे, उना दे अल्फाज ते उना दा कलम है, उना दे बहुत बड़े दोस्त हैं। बिल्कुल, और किताब भी एक दोस्त है। किताब मेरी, किताब में मोहब्बत भी एक बड़ी अच्छी मिसाल, नेक्स्ट वीक में आ जाएगी मेरी। अच्छा, किताब, माशाल्लाह। लेकिन मैं ईद के बाद उसकी, किस नाम डाल दी पिए थोड़ी किताब, मेरी किताब का नाम है सफर तन्हा। सफर तन्हा, सफर तन्हा, वाह वाह। अच्छा, उम्र गुजरी है सर बसर तनहा, हम सफर था मगर सफर तनहा। किताब का कलाम, क्या बात, क्या बात। तो रही साहब को देसो, ये मैंने गा लिया खुद। अच्छा, तुसा गा के जी, कंपोजिशन भी होगी मेरे साथ, मैं और दूंगी आपको इंशाल्लाह। जेड़ा तुम्हारा गाया है वो असली गा सकते हैं, असा मैं दिया संद गाया गा सकते हैं, इना तक गाया असा नहीं गा सकते। मैं ये तरन्नुम से आपको एक शेर सुना देती हूं जी, सुनाइए, ताकि आपको पता चल जाए तरन्नुम का। उम्र गुजरी है सरबसर तन्हा, उम्र गुजरी है सरबसर तन्हा, हम सफर था मगर सफर तन्हा, और हमने झेला अकेलेपन का अज़ाब, हमने झेला अकेलेपन का अज़ाब, कूचा कूचा नगर नगर तन्हा, हम सफर था मगर
सफर तनहा। क्या बात है, अच्छा बहुत अच्छा कलाम है, तर्ज भी अच्छा है। गालिबन तुम्हारे उस्ताद जी ने जी इसकी कंपोजिशन मुस्तफा मीर साहब ने बनाई है, मुस्तफा मीर साहब मुस्तफा उसके म्यूजिक भी उन्होंने बनाई है। ते जी तोड़े इन सुर को असा सुनना और समझना चाहते हैं इजाज़ रही साहब को इन्होंने जो कलाम फरमाया बहुत माशाल्लाह से। मैं एक जवाब कि कठिन सफर है मोहब्बतों का, शराब रस्ते हैं सोच लेना। कठिन सफर है मोहब्बतों का, शराब रस्ते हैं सोच लेना। वो छोड़ जाते हैं एक कदम पर जो साथ चलते हैं सोच लेना। वो एक बस्ती जहाँ पे हम तुम मिले थे मिलकर बिछड़ गए थे, वहाँ पे अब भी मेरी वफा के चराग जलते हैं। क्या बात, और तुम्हें कहा था संभल के रहना, फरेब देता है ये जमाना, ये जमाना। तुम्हें कहा था कि आस्तीनों में सांप पलते हैं सोच लेना। अरे वाह, और ये रीत तुम ना निभा सकोगे, न संग रहने की बात करना, कि इश्क वालों की राह गुजर में चना आते हैं सोच लेना। क्या बात, क्या हवाला जी, बेशक आते हैं। हुन असा को अपने आल माइल कारीगी देवे जी, तो असा को गीत सुनाओ। मैं नौकर बिल्कुल खूबसूरत गीत तुम्हारी खिदमत में अर्ज करना जी। सारा दिल ता राही साहिब तोले नाल लड़या करे, तुम्हारी आवाज नाल, तुम्हारी अदाएगी दा, तुम्हारी ਵਸੇਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਉਹ ਸੋਜ ਗੁਦਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਜ਼ੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੀ ਗਮ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਜ਼ਿਮਾ ਲੋ ਕਾਦਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪ ਜਿਸ ਵਸਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਗਾਇਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ, ਗਾਇਕੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੜਨਾ ਵਿਛੋਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੜਨਾ ਵਿਛੋਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਮਸਰੂਰ ਹਸਨੈਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮਸਰੂਰ ਹਸਨੈਨ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵਾਲੋ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬੜਾਈ ਤਾਬੀਰ ਅਦਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ 2003 'ਚ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ 20ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਹਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਹਰਾ ਕੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਨਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਗਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਇੰਤਖਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਸਕੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸਕੀਨ ਦੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਆਦਨ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਦਨ ਕੇ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋਲ ਇੰਤਖਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਤਖਾਬ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਇੰਤਖਾਬ ਦੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ, ਕਭੀ ਰੁਕ ਗਏ ਕਭੀ ਚਲ ਦੀਏ, ਕਭੀ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਵਾਹ ਕਭੀ ਰੁਕ ਗਏ ਕਭੀ ਚਲ ਦੀਏ, ਕਭੀ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਯੂੰ ਹੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਯੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਸਿਤਮ ਸਹੇ, ਕਭੀ ਨੀਂਦ ਮੇਂ ਕਭੀ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ, ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਝੇ ਦੇਖ ਕਰ, ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਂ ਹਿਲੀ, ਯੂੰ ਹੀ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕਭੀ ਜ਼ੁਲਫ ਪਰ ਕਭੀ ਚਸ਼ਮ ਪਰ, ਕਭੀ ਤੇਰੇ ਹਸੀਨ ਵਜੂਦ ਪਰ, ਜੋ ਪਸੰਦ ਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਂ, ਵੋ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਭੀ ਏਕ ਥੇ, ਮਗਰ ਆਜ ਹਮ ਹੈ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ, ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਭੀ ਏਕ ਥੇ, ਮਗਰ ਆਜ ਹਮ ਹੈ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ, ਵੋ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਸੰਵਰ ਗਏ, ਹਮ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਵੋ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਸੰਵਰ ਗਏ, ਹਮ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਕਭੀ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਕਭੀ ਫਰਸ਼ ਪਰ, ਕਭੀ ਉਨਕੇ ਦਰ ਕਭੀ ਦਰ ਬਦਰ, ਕਭੀ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਕਭੀ ਫਰਸ਼ ਪਰ, ਕਭੀ ਉਨਕੇ ਦਰ ਕਭੀ ਦਰ ਬਦਰ, ਗਮੇ ਆਸ਼ਕੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
हम कहां कहां से गुजर गए। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। इंतखाब भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जी जी भाई साहब, बिल्कुल बेशक तुसा कहीं ना कलाम पढ़ो, अच्छा कलाम, फिर उसकी अदायगी भी, अदायगी अदायगी भी होती है। और हुण असा, मैं तो दस्या भी सारे नाल सारे साथी कंपेयर भी शायर है। वाह वाह, असा इना को रिक्वेस्ट करे सु, बिल्कुल असा जरूर रिक्वेस्ट करे सु, असा सुन सु, बिल्कुल कोई कमी कोताही होवे तो माफ करे, माफी की एडवांस माफी की जरूर। बोल तो आपको वसा शायरे सडे सु। मुसल्लत रही ए जिंदगी तू अजाब की सूरत मुसलसल, मुसलसल क्या रदीफ। मुसल्लत रही ए जिंदगी तू अजाब की सूरत मुसलसल, हमने भी पकड़े रखा जब्त का दामन मुसलसल। वाह वाह, शायद के इस बार छोड़ दे रुसवाई मेरा दर, शायद के छोड़ दे इस बार रुसवाई मेरा दर, सहते रहे ए जिंदगी तेरे इल्जामात मुसलसल। बेमौसमी बरसात में भीगते रहे मुसलसल, बेमौसमी बरसात में भीगते रहे मुसलसल, अपने नसीब की बारिशें कहीं और बरसती रही मुसलसल। बारिश की उन्होंने बात की तो मैं बारिश के ऊपर अपने दो शेर मेरे जहन में आ गए। बिस्मिल्लाह जी जी, अपना कलाम जी अपना। अच्छा जी, मौसम था खुशगवार तुम्हें सोचते रहे, मौसम था खुशगवार तुम्हें सोचते रहे, हम हो के बेकरार तुम्हें सोचते रहे, और बारिश हुई तो लग के दरीचे से आज हम, बारिश हुई तो लग के दरीचे से आज हम, चुपचाप सोगवार तुम्हें सोचते रहे, चुपचाप सोगवार तुम्हें सोचते रहे। सोगवार क्यों है, क्या वजह है? बाज दफा बारिश में इंसान सोगवार भी होता है जब वो अकेला हो और उसके साथ ही कोई ना हो तो वो फिर सोगवार होता है, लेकिन यादें उसकी आ जाती हैं। तन्हाई जड़ी है वो सोगवारी थी, वो सोगवारी की अलामत है। और यादों तो आप कहीं भी हो, याद तो आपके साथ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, खैर याद आता है। कहते हैं जी, एक भी अर्ज करे था थोड़ी इजाजत ना जी जी, और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारे बगैर गुजरेगी, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारे बगैर गुजरेगी, जितनी भी गुजरेगी तुम्हारी याद तुम्हारे एहसास में गुजरेगी। वाह वाह वाह, क्या यानी पहला मिसरा एक मतलब धमकी भी है, तंबीह भी है कि सोचा भी कैसे है तेरी कि तुम्हारे बगैर गुजरेगी। मसरूर हुसैन सफरनामा आगाज है, पहली किताब है, आगाज है तू थे सफरनामे पढ़े भी हैं कोई? सफरनामे एक दो पढ़े, मन जाए के बोदम शोरश कश्मीरी साहब दा, और मेरे को मेरे दोस्त हैं डॉक्टर मुश्ताक मेहदी, बहुत अच्छे लिखा रही हैं, पेशावर तो डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि सो पढ़ो तो वल लिखा है, वल मैं थोड़ा पढ़ा हो थोड़ा आइडिया गिरन वास्ते इंस्पिरेशन इन तारी, लेकिन मेरे को दिया, लेकिन मेरे को सारे दोस्तों ने और मेरी फैमिली मैंबर जिन्हें मैं जिक्र किया, मैं मेरी मुमानी हैं प्रोफेसर तस्नीम सदीकी साहिबा, उन्होंने मेरे को आख्या, मेरे दोस्त शाकिर हुसैन शाकिर ने आख्या, तुसा आख्या आमिर शाह सदीकी कि जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना सफरनामा को बजाय के कोई को कॉपी करो, बहुत अच्छे। और मैं कहीं को कॉपी नहीं किया, मतलब बजाय कई को मुतासर थी कि और जड़े वाले मैं तकरीबन रोनुमाई की थी उनके बरमला इजहार प्रोफेसर डॉक्टर असद अरीब साहब ने किए, बहुत अच्छे असाजा दे तुम। हां जी, और वो इन प्रोग्राम बहुत शुक्रिया मिस्टर हुसैन सिद्दीकी, आप तशरीफ खाना आप दी आमद, बहुत शुक्रिया तानिया आप दी आप दी आमद, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाज राय साहब भी बहुत शुक्रिया, इजाज राय साहब का शुक्रिया, उन्होंने गीत सुनने लगे हाल ही टाइम है सारा सारे देखने लिया को पता भी नहीं चला महफिल दा है जी, महफिल दा हाल ही नहीं पता चलना क्योंकि असं उन्होंने गीत सुनने सुना सी, हुण वेला है तुहाड़े कोल इजाजत गिनण दा, मैं आमिर शहजाद तुहाड़ा मेज़बान तुहाड़े कोल इजाजत मंगदा, तहीना मुख्तार भी आप कोल इजाजत मंगदे, असं चलदे पए हैं इजाज राय दे पासे, इजाज राय साहब गीत सुनदे सन, एक गीत इख्तिताम उसी प्रोग्राम दा जी राय साहब। सोच के ते चुप कर गए हो,
ਸਾਕੇੜਾ ਰੋਣ ਆਪਣੀ ਵਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਪਿਨਾਇਆ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਣ ਆਪਣੀ ਵਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਣ ਆਪਣੀ ਵਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਹਰ